प्रातः क्लास चल रहा था 10/9/1964 गुरुवार, 5वें पेज के आज मध्याह्न में बात चल रही थी तुम बच्चों को इस षष्ठी चक्र का और धर्मों का अच्छी तरह से राज समझाया गया है। अभी कोई कहते हैं कि मेरी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है, भला थोड़ा तो बैठता है ना। बाप कहते हैं ये जो तुम पतित पावन बुलाते हो वो तो जरूर तुम्हारा सदगुरु हो गया, अच्छा ये फादर कहते हो सो तो तुम आत्माओं का बाप है ही, तुम भक्तों का साधु संत महात्मा जो भी हैं, उस सब का पिता भगवान ठहरा। वास्तव में कोई को भी जब कहा जाता है भगवान तो आत्मा को ही कहा जाता है, कहते भी हैं पुण्यात्मा पवित्र आत्मा अपवित्र आत्मा महान आत्मा। लेकिन कभी किसी को पिछाड़ी में परमात्मा तो कहा ही नहीं जाता है। ऐसे नहीं है कि आत्मा जाकर के परमात्मा बनेगी, नहीं, परमात्मा कोई ऐसी चीज है जिसमें ये आत्माएं जाकर के लीन हो जाएंगी। जैसे मिसाल देते हैं कि आत्मा बुदबुदा है, तो सब आत्मा रूपी बुदबुदाएं निकल करके सागर में लीन हो जाएंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं, सागर तो खारा होता है, तो बुदबुदे रूपी आत्माएं भी कैसी होंगी, खारी ही होंगी ना। देखो कितने गपोड़े हैं, फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको सिखलाया जाता है, बस वो तो वही कहते आएंगे। किससे पूछो तो कहेंगे ज्योति ज्योति में समा जाती हूं। किसी को पूछो तो बोलेगा बुदबुदा जैसे सागर में मिले उसमें ही हो जाती हूं। फिर कहते निर्वाण धाम में गया, अभी निर्वाण धाम तो निर्वाण धाम ही हो गया, जैसे कहते हैं बुद्ध की सोल कहां गई, पार निर्वाण गई। और निर्वाण धाम कहो पार निर्वाण कहो बात तो एक ही है। या कहते हैं ज्योति ज्योति में समाया,
कि बताओ अभी कौन राइट है। बुद्धा पार निर्वाण तो ठीक है, कि निर्वाण धाम है, निर्वाण धाम से हम आते हैं, क्योंकि निर्वाण कहा जाता है इनको जहां वाणी का गम नहीं है, आत्मा को शरीर मिले तब कुछ मूवी और टाकी बने, सूक्ष्म शरीर तो है ही मूवी, तो बच्चे भी जानते हैं, अनुभव है, दुनिया को तो अनुभव नहीं है ना कि वहां सूक्ष्म वतन में मूवी चलती है। मुख से ऐसे ऐसे बात करते हैं जैसे गूंगे, तो वो भी उनकी एक लैंग्वेज है, बाकी कितनी सूक्ष्म लैंग्वेज है जो वहां समझते हैं, समझ करके डायरेक्शन ले आते हैं, फिर भी टाकी तो वहां है ही नहीं। तो सूक्ष्म तंत्र में जा करके डायरेक्शन कैसे ले आते हैं, ये भी तो वंडरफुल बात है ना। तो ड्रामा में ये भी बात समझाई हुई है कि बरोबर वो सूक्ष्म वतन है, उनको कहा जाता है मूवी, या इस दुनिया में है टाकी, निर्वाण धाम में है साइलेंस, बरोबर मूवी के बायोस्कोप भी थे जो ऐसे ऐसे साफ करते थे, चलते थे, पीछे उनमें मजा किसी को नहीं आया क्योंकि कुछ राग वाग तो था ही नहीं, तो फिर इनमें सात टाकी कर दिया। और ये भी तो सिद्ध करके बताते हैं साइलेंस, मूवी और टाकी ये तीन दुनिया है, टॉर्च दे दो। प्रश्न 64 गुरुवार के प्रातःकाल क्लास का छठा पेज कहते हैं कि साइलेंस में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर बस और कोई होते नहीं है, जिसके लिए समझाया जाता है कि उनके ऊंचे परमपिता परमात्मा है
जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं और हम आत्माएं भी वहां रहते हैं, अब ये बातें तो अच्छी तरह से समझाई गई हैं बच्चों को। इसको अच्छी तरह से और क्या समझावें? तो बताया कि पतित पावन गुरु तो सदगुरु हो गया, कोई को भी गुरु नहीं कह सकते हैं। क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक है, तो जरूर सभी जो भी मनुष्य हैं वो फिर अपन को गुरु कहलाएं, ऋषि कहलाएं, मुनि कहलाएं, सरस्वती कहलाएं, महामंडलेश्वर कह रहे हैं, जो भी कुछ कहलाएं हैं तो सभी पतित, क्योंकि हैं ही पतित दुनिया में। जो पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं है, कोई सयाना हो तो गवर्नमेंट को भी लिखे कि तुम लोगों ने तीन ब्रह्मा विष्णु शंकर तो ठीक लगाए दिए, ऊंचे थे ऊंचा बाप जिसको कहा जाता है, उनको तो फिर ऊपर में लगाओ। तुम लोग उनको तो जिए दान दो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहा जाता है, तो इन देवताओं को रचने वाला कहाँ है? जो रचने वाला है उनको क्यों कब्र दाखिल कर दिया है? तो बरोबर उनको कब्र दाखिल करने से सभी मनुष्य कब्र दाखिल हो गए हैं। कब्र में क्या होता है? मिट्टी ही मिट्टी होती है, तो साथ की बुद्धि रूपी आत्मा मिट्टी हो गई, सात देह अभिमान की मिट्टी में मिल गए, कहा भी जाता है बरोबर परमात्मा आते हैं। सबको कब्र से जगाते हैं, और जगा करके फिर ले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि मुर्दों को कोई जिंदा कर देते हैं, नहीं, जो भी मनुष्य मात्र है वो सब देह अभिमानी की मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर बाप आकर के उनको आत्मा का ज्ञान देते हैं, आत्मा अभिमानी बनाते हैं, आत्मा अभिमानी बनाना माना दीपक जगाना।
तो बात ऐसी है, बरोबर बाप भी कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया कब्रिस्तान तो बननी है, ये देख रहे हो कि विनाश तो होने वाला ही है। और ये महाभारत की लड़ाई तो वो ही है, ये तो जरूर है कि इस कब्रस्तानी यानी विनाश के बाद फिर सतयुग के गेट्स खुलते हैं। क्योंकि राजयोग सीख रहे हो सतयुग के लिए, ये बाप आकर के राजयोग सतयुग के लिए सिखाते हैं। नहीं तो कहां के लिए राजयोग सिखाते हैं? नरसे नारायण भी तो सतयुग को हुए, सतयुग में ही बनेंगे ना, क्योंकि सतयुग में ही 16 कला संपूर्ण होते हैं। इस राजयोग से जो आत्मा कब्र दाखिल हो गई, मिट्टी के मानिंद हो गई, देह अभिमान की मिट्टी में मिल गई, उनको राजयोग सिखा करके जागृत करते हैं, जैसे दीपक जलाया जाता है। तो ये है ही राजयोग। बाप ने समझाया हुआ है कि इस समय में तुम बाप से ही सीखते हो। क्या सीखते हो? राजयोग सीखते हो। काहे का योग? राजाई प्राप्त करने का योग। कैसे राज्य लेते हो? दुनिया में तो जो भी हिस्ट्री मिलती है राजाओं ने बाहुबल से राज्य लिया, तुम कैसे लेते हो? है योग बल से। इसको ही कहा जाता है नॉन वायलेंस, क्योंकि कोई भी वायलेंस नहीं है। न विकारों की मारामारी है, न अस्त्र शस्त्रों की मारामारी है। ये मनुष्य, ये साधु संत महात्मा समझते नहीं है कि वायलेंस किसको कहा जाता है। पहली वायलेंस है एक दो को काम कटारी चलाना, तो ये काम कटारी नहीं चलाना है। ये सबसे बड़ी हिंसा है, देवी देवता धर्म को कहा जाता है हिंसा परमो देवी देवता धर्म। और वो था भी बरोबर, जिस धर्म को ही निर्विकारी कहा जाता है।
काम कटारी नहीं चलती है। बाप ने आकर के समझाया कि इस विकार से तुम आदि मध्यंत दुख भोगते हो, बच्चे की पैदाइश होती है बीजारोपण के समय ही निस्तेज हो जाते हैं, जन्म लेते लेते माता भी दुखी बच्चा भी रोते रोते जन्म लेता। जिसका आदि दुख में उसका मध्य और अंत भी, अंत का जीवन भी दुख में ही हो जाता है। कैसे कैसे घावड़े देकर के मौत आती है, अर्थात सारा जीवन दुख भोगना और वो सतयुग में निर्विकारी होने के कारण आदि मध्यंत सुख ही सुख भोगते हैं। बच्चे की पैदाइश बड़े आराम से होती है, देवताओं का सारा जीवन सुख में जाता है। तो वो हो गया अमर लोक, जहां आदि मध्य अंत दुख नहीं भोगते हैं, और ये है मृत्यु लोक। तो ये अमर लोक और मृत्यु लोक भी तो है, सही ना? तो मृत्यु लोक में बैठ करके कथा सुनाते हैं अमर लोक में जाने के लिए। कहते हैं पार्वती को कथा सुनाई, तो कहां कथा सुनाई? स्वर्ग में सुनाई क्या? ये मनुष्य सृष्टि में ही सुनाई। ऐसे तो नहीं है कि शंकर फिर बैठ करके पार्वती को वहां कथा अमर कथा सुनाएंगे। शंकर बेचारा क्या जाने अमर कथा से, और ये बात किसने कही कि शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई? जरूर शंकर से भी ऊंचा कोई होगा, ये बात तो कह सकते हैं। नहीं तो बाप कहते हैं मैं उनका बाप हूं, किनका? ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप हूं, और कहता हूं
ये शंकर बेचारा क्या जाने इस अमर कथा से। वो शंकर कोई त्रिकालदर्शी थोड़े ही है, त्रिकालदर्शी तो मैं हूँ और मुझे ही त्रिकालदर्शी मनुष्यों को बनाना है। तो बरोबर बैठ करके उनको त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। किनको? शंकर को। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, फिर त्रिलोकीनाथ, ये तुम बच्चों को टाइटल से मिलते हैं ना, तीनों लोकों को जानने वाले, तीनों कालों को जानने वाले। तो ये भगवान की महिमा है। जो भगवान बैठ करके तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, आप समान बना करके तुम बच्चों को साथ में ले जाते हैं। जब तुम वहां जाते हो तो तुम इस ज्ञान से जानते हो कि तुम ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। दस नौ चौसठ की वाणी का सातवां पेज। तुम्हारी बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहता है? इस सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है? क्योंकि कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप और चैतन्य बीज रूप हूं, नालिस कुल हूं। तुम भी ऐसे कहते हो ना, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन भी है, नालिस कुल भी है। तो मुझे बीज में कौन सी नॉलेज होगी? क्योंकि मैं चैतन्य हूं, नॉलेज है। ऐसे तो नहीं कहेंगे उस जाड़ के बीज में कोई नॉलेज होती है, वो तो जड़ है, ये चैतन्य है। इसलिए हम जो चैतन्य हैं जानते हैं कि बरोबर वो जो आम का या कोई भी बीज है, इनसे ऐसे ऊंचा झाड़ निकलता है, उसमें कैसे फल निकलते हैं। अभी तो हम फिर मनुष्य सृष्टि के झाड़ को जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं बीज ऊपर में हूं, ये उल्टा झाड़ है। इसलिए मैं इस उल्टे झाड़ के आज मध्य अंत को जानता हूं, षष्ठी चक्र को जानता हूं, ब्राह्मण को जानता हूं, दूसरे तो कोई नहीं जानते हैं ना। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि मुझे मनुष्य कहते भी है, सत्य चैतन्य आनंद, सत्य चित्त आनंद,
ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो अच्छी बात है, उन्हीं से इनहेरिटेंस मिलना चाहिए। किस बात का है? सत्य सच्चाई का, आनंद का, ज्ञान का, सुख का, शांति का सागर है ना। तो सुख शांति पवित्रता सब उनसे मिलना चाहिए। बरोबर, तुम सब आत्मा इनहेरिटेंस ले रहे हो मुझे अपने बाप से। इनहेरिटेंस काहे का ले रहे हो? यही कि तुम एवर 21 जन्म के लिए पावन बनेंगे। एवर नहीं बनाऊंगा, वो भी बात बता देते हैं। मैं तो एवर पावन हूं, कि मैं तो वहीं रहता हूं। ये एवर पावन दुनिया है, तुमको तो फिर वहां पार्ट बजाना है। यहां तीन गुणों की सृष्टि है, मैं तो त्रिगुणातीत हूं। इसलिए तुम ही 21 जन्म के लिए पावन बनेंगे। सो भी समझा दिया है कि तुम्हारी कला कमती होती जाती है। मैं तो कला थी तू, मेरी कला तो कम होने का सवाल ही नहीं। इस समय में सिर्फ तुम्हारी है चढ़ती कला। किस समय में है? संगम युग में। सिर्फ चढ़ती कला है, उतरती कला नहीं है, है? उसकी निशानी क्या है? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो सर्व का भला करने में लगी रहते है? लगे रहते, कभी लगे रहते कभी नहीं लगे रहते। तो जब नहीं लगे रहते तो चढ़ती कला है, है? अभी उतरती है, चढ़ती है। बूढ़ी माता कहती चढ़ती है। ब्राह्मणों की चढ़ती कला उतरती कला दोनों होती रहती, चढ़ती ज्यादा होती है, उतरती नहीं होती। एक ग्रंथ में भी है, बैठ करके समझाते क्या? कौन से ग्रंथ में है? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, गुरु ग्रंथ साहब ने। बस सतयुग में से वहां से आया, क्योंकि वहां पर तुम बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो।
फिर वहां से नीचे आए तुम्हारी कला थोड़ी कम हो जाएगी। चढ़ती कला भी इस समय में है, पीछे सतयुग में कलाएं कमती होती जाएंगी। क्योंकि चढ़ करके फिर नीचे भी तो उतरना है ना, तो अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। अभी तुम बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। क्या है बेहद का वर्षा? सतयुग की राजाई। सतयुग में सारा विश्व होगा है? फिर सतयुग में तो सिर्फ भारत ही होगा, देवता धर्म ही होगा। सारे विश्व के ऊपर तो राजाई नहीं हुई ना। तो बेहद का वर्षा किसे कहेंगे? सतयुग को कहेंगे। सतयुग में बेहद का वर्षा है या संगम युग में बेहद का वर्षा बाप देते हैं? यह है विश्व की बादशाही का वर्षा। सारे विश्व को कहेंगे बेहद। तो अभी तुम बहुत सर्विस भी करते हो, जैसे बाप को याद करते हैं ना, ओ पतित पावन आओ, फिर कौन तुम्हारे मददगार होंगे? बरोबर ये शिव शक्तियां और पांडव सेना। ये शिव शक्ति फिर आ करके इस पति दुनिया को पावन करने में मदद करती है। नाम भी तो गाया जाता है ना, जिनको कहा जाता है वंदे मातरम। पतित को तो वंदे मातरम कोई नहीं कहेंगे, खुद ही माताएं जो कुमारी रहती हैं, पावन होने से उनको सभी वंदना कर माथा झुकाते हैं। फिर वो कुमारियां जब माता बन जाती हैं, तब भी तो कोई माथा झुकावे, और ही उनको सबके सामने माथा झुकाना पड़ता है, सबके बैठ पांव छुओ। तो बाप आकर के माताओं द्वारा ऐसे शक्ति दल द्वारा गुप्त है ना, तुम किसी का भी हाथ नहीं छूती हो, विकार में भी नहीं जाती हो। तुम जैसे कि डबल अहिंसा वाली ठहरे, कैसे बताया डबल अहिंसा वाली? थप्पड़ मारते हैं तो हाथ छूते हैं कि नहीं है? एक तो ये स्थूल हिंसा हुई और दूसरी विकारों की हिंसा। जैसे कहते ना अहिंसा परमो धर्म, राज्य भी लेती हो
परंतु हथियार नहीं चलाती हो और पवित्र भी रहती हो। तो देखो तुम डबल अहिंसक, और वो सभी डबल हिंसक। कौन सभी? अरे देव की बादशाही लेने के लिए, सारे विश्व की बादशाही लेने के लिए हिटलर आए, नेपोलियन आए, मुसोलिनी आए, विश्व की बादशाही ले सके? नहीं ले सके, क्योंकि वो सब हिंसक थे। वो तो विकार में भी जाते हैं और मनुष्यों को मारते भी हैं। कौन है? इनकी तरफ इशारा किया है। अरे ये हिस्ट्री में जो गाए जाते हैं महत्वाकांक्षी, सारी दुनिया के ऊपर राज्य करेंगे हम, ऐसी आशाएं लेकर निकले थे। वो विकार में भी जाते हैं और मनुष्यों को मारते भी हैं। कितने दुख देते हैं। तो काम कटारी से सब एक दो को दुख दे रहे हैं। पहले नंबर का दुख वो है ना, और अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। किनों द्वारा पहाड़ गिरते हैं? है किनों के द्वारा पहाड़ गिरते हैं? वो ही विकारी मनुष्य है, मनुष्यों का मनुष्यों के ऊपर। देखो ये क्रोध का, इसको कहा जाता है बेहद क्रोध। और ये भी समझते हो अभी बेहद वैश्याल बहुत है। बरोबर इस समय तो मनुष्यों ने बहुत ही गालियां भी दे दी हैं। शास्त्रों में लिख दिया है द्रौपदी को 5 पति थे, भारत में ये हो सकता है कभी? 10964 की वाणी का 8वां पेज, तो इसी समय की ये बातें हैं शास्त्रों में। द्रौपदी को 5 पति भी इन शास्त्रों में इस समय की बातें लिखी हुई है। कृष्ण को 16,000 रानियां, इस भागवत शास्त्र में लिखा हुआ है। अब कहां द्रौपदी और कहां उनकी रानियां? तो देखो ये गालियां ही गालियां हो गई। रामायण में, भागवत में गालियां ही तो है ना। इसको ही कहा जाता है धर्म की ग्लानी, यानी मेरी भी ग्लानी,
जो मैं भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूं। इस्लाम की, बौद्ध की, बौद्ध धर्म की कभी किसी की गिलानी नहीं करेंगे। तो ये तो देखो, इन्होंने अपने आप को चमाट मारी है। सबकी गिलानी ये ड्रामा में नूद बोलते हैं। बोलेंगे इनका दोष है, नहीं तो अभी समझते हैं कि ड्रामा में नूद है। बरोबार इनको ऐसे ही गिरना जरूर है। तो जबकि गिरना है तो दोष क्या, अभी चढ़ना है, चढ़ती कला। तो फिर बाप कहते हैं जाओ हर एक जगह में ढिंडोरा पिटवाओ कि जिसको तुम भक्त याद करते हो वो भगवान आ गया है और भगवान अपना स्वर्ग का खजाना ले आए हैं। जो खजाना और कोई भी महान से महान मनुष्य के पास नहीं होता, तीरी पर बहस तलाए हैं। ये बुद्ध रूपी तीरी है, इसमें सारा खाका नई दुनिया का खींच जाता है। तो तुम बच्चों को अभी समझाया गया है कि सबको समझाओ कि बेहद का बाप आया हुआ है, वो है स्वर्ग का रचयिता। रिकॉर्ड चलाए ओम नमो शिवाय। अब सच्चा तो सच्ची बात ही बताएगा, ये तो झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है, तो सच कौन बताएगा। उनको कहा जाता है सच, और बरोबर कथा देखो कितनी लंबी चौड़ी है, अभी तलक पढ़ते रहो। ये कथा तुमको अंत तक पढ़नी है। कौन सी कथा? नरसे नारायण बनने की कथा तुमको अंत तक पढ़नी है। सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, मनुष्य सृष्टि के झाड़ की आज मध्य अंत क्या है, ये कथा है। बरोबर कथा भी कहे लंग लंग गो, लंग लंग माना क्या, 5000 वर्ष पहले क्या था, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब 5000 वर्ष के अंदर है या पहले है, 5000 वर्ष के पहले, 5000 वर्ष के पहले कलयुग था या कौन सा युग था है, कलयुग और सतयुग का मेल का कार्यकाल था। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवताओं का राज्य, फिर क्या हुआ। तो देखो कथा तुम सुना सकते हो ना, कैसे वो लोग 84 जन्म में आए, कौन लक्ष्मी नारायण और उनकी प्रजा। देखो तुमने कितनी बड़ी कथा सुनाई, और कथा में भी अनेक कथाएं, कौन सी, अनेक अनेक कथाएं।
इस्लामी कैसे आए, बौद्धी आए, क्रिश्चियन आए, फलाना आए, ये सभी कथाएं हैं, कथाओं में कथाएं। अब तुम्हारी बुद्धि में ठीक ठीक बैठ गई सारी सृष्टि के चक्कर की आदि मध्यंत की कथा, सभी धर्मों के आदि मध्यंत की कथा। ये बातें सबको बुद्धि में तो नहीं है ना, नंबर बार है। ये कथा को ही नॉलेज कहा जाता है। कथा भी कहे, कथा की जाती है पुरानी, 5000 वर्ष हुआ, फलाना राजा था, ये था, वो था, फिर ये हुआ, वो हुआ, इसको कथा कहा जाता है। तो उन्होंने पूरी कथा बता दी कि 5000 वर्ष के बदले में लक्ष्मीनारायण का राज्य लाखों वर्ष आगे कर दिया। सो भी सारी उल्टी पलटी कथा। लक्ष्मीनारायण की क्या उल्टी पलटी कथा सुनाते हैं? है लकड़ा हारा लकड़ बग्गा, लीलावती कलावती, पीछे कृष्ण को ले गए हैं द्वापर में, राम को बंदर की सेना दे दी, अब कृष्ण को गीता का भगवान बनाई दिया, और उनको बहुत माइयां दे दी। अच्छा, सिकील दे लकी ज्ञान सितारों प्रति, माता पिता बाप दादा का, मीठे मीठे बच्चों के प्रति, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम शांति।